नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 14 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज देश भर में मनाया जा रहा है बाल दिवस। बिहार में प्यादा की जमीन होगी 50% तक सस्ती। बिहार में शुरू हुआ पर्यटन सीजन। केंद्र सरकार बिहार को देगी 110 करोड़ रुपए। बिहार के युवाओं को रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। देश भर में मनाया जा रहा है बाल दिवस। आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और आज ही के दिन हर साल देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों द्वारा प्यार से चाचा नेहरू कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों की सर्वांगीण शिक्षा की वकालत की, जिससे भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। बाल दिवस का उद्देश्य पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के अलावा बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना भी है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उन्हें पालेंगे, वही देश का भविष्य तय करेंगे। दिखेगा मधुबनी पेंटिंग और बुद्ध का अनूठा संगम। बिहार में मधुबनी पेंटिंग की धूम चारों तरफ है। हर क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग चार चांद लगाने का काम करते हैं। यही कारण है कि बिहार सरकार भी मधुबनी पेंटिंग को और ज्यादा निखारने का काम करती आई है। कालचक्र मैदान से लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास की दीवारें चित्रकला के गुच्छे में परिवर्तित हो गई है। मिथिला से आए हुए कलाकारों द्वारा नगर के दीवारों पर भगवान बुद्ध के जीवनी से लेकर भगवान श्री जगन्नाथ के पुरानी और पारंपरिक चरित्र मधुबनी कला के जरिए जीवित की जा रही है। मधुबनी आर्ट के जरिए जैसे जैसे भगवान बुद्ध की जीवनी नगर के दीवारों में उकेरा जा रहा है, वैसे वैसे मानो दीवारें जैसे बोल उठ रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ज्ञान की स्थली बोधगया भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक जगह में से एक है। पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र भी रही है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिर्फ देश के ही पर्यटक यहाँ नहीं पहुँचते, बल्कि विदेश से भी यहाँ काफी लोग पहुँचते हैं। पहचान में हम बात करेंगे राजेश कुमार की। बिहार में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। इनमें से एक नाम है राजेश कुमार का। टीवी के बहुत ही जाने माने चेहरे राजेश कुमार अपने शरारत, खिचड़ी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, बाब बहू और बेबी, कुसुम जैसे बहुत से हिट शोज और फिल्मों में नजर आ चुके हैं। आपको बता दें, राजेश बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1999 में शो एक महल हो सपनों से किया था, जिसके बाद वो अपने कामयाब जिंदगी में बढ़ते चले गए और अब तक कई टीवी शोज और फिल्मों में काम कर चुके हैं। हालांकि बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी राजेश कुमार का बिहार से आज भी लगाव वैसा ही है। बिजली चोरी करने वालों की 15 नवंबर से खैर नहीं। बिहार में बिजली चोरी के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए बिहार सरकार ने अब तक कई कदम भी उठाए हैं। वहीं अब एक बार फिर से बिहार सरकार बिजली चोरी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत आगामी 15 नवंबर से 1.5 महीने तक जांच अभियान चलाया जाएगा। जांच के दौरान अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो न केवल जुर्माना होगा, बल्कि बिजली भी काट दी जाएगी। जांच अभियान में पुलिस की भी सहायता ली जाएगी। सीएमडी संजीव हंस ने इस बाबत पहले ही बिहार पुलिस को चिट्ठी लिखी थी। इस बाबत सभी बिजली इंजीनियरों को भी आवश्यक निर्देश दे दिया गया है। छात्रों को रजिस्ट्रेशन का मिला एक और मौका। इग्नू में जनवरी 2022 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया 2 नवंबर से शुरू है, जिसके तहत अब इच्छुक और योग्य छात्र इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम में पुनः पंजीकरण के लिए अध्ययनरत शिक्षार्थी इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पुनः पंजीकरण कर सकते हैं, जो कि 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान अगर शिक्षार्थी अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए हों या फिर अन्य किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क कर अकाउंट को पुनर्व्यवस्थित करवा सकते हैं। कार्यक्रम शुल्क का भुगतान यथासाध्य अपने ही डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। बिहार में बियाडा की जमीन होगी 50% तक सस्ती। बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50% तक सस्ती होगी। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस पॉलिसी के तहत अब उद्योग के लिए बियाडा की जमीन पर 50% तक की अधिकतम छूट मिलेगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि निवेश में बढ़ावा मिलेगा। इधर उद्योग विभाग औद्योगिक भूमि के प्रबंधन में लगा हुआ है। बता दें कि बियाडा अपनी पुरानी जमीनों की कीमत में 40-50% तक की कमी करने जा रही है। प्रस्तावित पॉलिसी के तहत निवेशकों को अब जमीन पाने के लिए अपने निवेश की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले सौंपनी होगी। बिहार सरकार ने उद्योग की जमीन की कीमत के मूल्य के निर्धारण को लेकर बदलाव किया है। बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए नए अलॉटमेंट नीति के तहत बियाडा गंभीर निवेशकों को ही जमीन आवंटित करेगा। ज्ञात हो, इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को लगभग 50 एकड़ जमीन खरीदनी होगी। जिलों में छाए रहेंगे हल्के बादल। बिहार में बारिश के बाद अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
जिसके तहत बिहार में तापमान में अभी कोई भी बदलाव देखने को हालांकि नहीं मिलेगा, लेकिन आज पटना, गया, नालंदा सहित 19 जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान पूरे बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पिछले 3 सप्ताह में मौसम शुष्क यानी कि ड्राई बना हुआ है। पूर्वानुमान के अनुसार कुछ भागों में पूर्वी हवा का प्रवाह शुरू हो गया है, जिसके कारण रात और दिन के तापमान में हल्की वृद्धि देखी गई है। पूरे राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। बिहार समेत देश भर में अगले हफ्ते से शुरू होंगे मांगलिक कार्य, फिर बजेगी शहनाई। 3 महीने के बाद बिहार समेत देश भर में फिर से शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली है, क्योंकि 15 नवंबर को कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी को भगवान नारायण निद्रा से जागृत हो जाएंगे। तब से ही शादी विवाह के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। विवाह के लिए इस महीने 9 दिन और दिसंबर में 6 दिन शुभ माना गया है। बनारस पंचांग के अनुसार विवाह का मुहूर्त नवंबर में 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 और 30 को बताया गया है। वहीं दिसंबर में 1, 5, 7, 11, 12, 13 को शुभ माना गया है। मिथिला पंचांग के अनुसार मुहूर्त नवंबर में 21, 22, 29 को और दिसंबर में 1, 2, 5, 6, 8, 9 और 13 को शुभ माना गया है। शुरू हुआ पर्यटन सीजन। अगर आप भी बिहार के मनोरम स्थलों का जायजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है, क्योंकि बिहार में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अगर आप भी पटना, राजगीर, बोधगया या VTR जैसे पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि बिहार के राजगीर, वाल्मीकि नगर, टाइगर रिजर्व, बोधगया, मंदार, रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों में बसे मंदिरों और पर्यटन स्थलों की सैर का यह मुफीद वक्त है। अगर आपकी योजना कम वक्त में घूमने की है तो पटना भी एक बेहतर ठिकाना हो सकता है। अगर आपका इरादा केवल पटना में घूमने का है तो बुद्ध स्मृति पार्क, मनेर शरीफ, पटना साहिब से तख्त श्री हरे मंदिर गुरुद्वारा, इको पार्क, पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर, पटना जू बेहतर विकल्प है। इसके अलावा भी आप बिहार के अन्य जिलों में बसे पर्यटन स्थल का जायजा ले सकते हैं। फिल्म की शूटिंग करने की इच्छा रखने वालों को बिहार सरकार करेगी मदद। अगर आप भी फिल्म की शूटिंग से जुड़े हैं और बिहार में जल्द ही फिल्मों की शूटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है, क्योंकि आप बिहार में शूटिंग करने कि अगर आप इच्छा रखते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से आपको मदद तो मिलेगी ही, साथ ही नीतीश सरकार का कला संस्कृति विभाग हर तरह की सहूलियत मुहैया करवाएगा। बिहार में फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है। फिल्म निर्माताओं को कला संस्कृति विभाग और फिल्मों के निर्माण और विकास के लिए काम करने वाले फिल्म विकास और वित्त निगम से सहयोग करना होगा। मॉरिशन भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कला संस्कृति विभाग के सचिव फिल्म निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेसी ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि पटना बाल फिल्मोत्सव की विस्तृत जानकारी जो है वो पेश की गई है। बताया गया है कि बिहार में बाल कलाकार, साइड एक्टर्स, मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार, टैक्सी, केटरिंग से लेकर शूटिंग में जरूरी हर चीज के लिए पैनल बनाया जाएगा। कला संस्कृति विभाग के कारनामों से जागी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने अब लोकायुक्त के आदेश के बाद निर्माण कार्यों में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने की पहल की है, क्योंकि पिछले महीने ही लोकायुक्त के सामने कला संस्कृति विभाग से जुड़े निर्माण में मिट्टी भराई और जमीन को समतल करने के मामले में कुछ त्रुटियों की जानकारी निकल करके सामने आई थी, जिसके लोकायुक्त के संज्ञान में मामला आते ही निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षक कोशांग ने इसकी जांच की। अब जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने 16 विभागों को नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कई चीजें साफ कर दी गई हैं। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि DPR बनाते वक्त स्थानीय स्थिति का ध्यान रखा जाए, जो इस योजना में नहीं हुआ है। अब छुट्टी के दिन भी बिहार में लिए जाएंगे विधायकों के सवाल। विधायकों के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार के विभाग अब सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद से ही मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर इस बाबत हिदायत दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्र के दौरान ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कार्यालय की अवधि समाप्त होने के बाद भी विधानमंडल से आए पत्र लिए जा सके, यहां तक कि सरकारी छुट्टी के दिन भी विधानमंडल से जारी पत्रों की प्राप्ति की गारंटी हो, इसके प्रति को भी विधानमंडल सचिवालय को दे दिया गया है, जिसके बाद अब इस सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से होने वाली है। BCECE काउंसलिंग की शुरू हुई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड BCECE ने बीते दिन से बिहार DCECE काउंसलिंग 2021 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत अब जो भी उम्मीदवार डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा और संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड काउंसलिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो BCECE की आधिकारिक वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थियों के पास ऐसा करने के लिए
केवल 17 नवंबर तक का ही समय है, जिसके बाद पहले दौर की अंतिम सीट आवंटन परिणाम 20 नवंबर 2021 को जारी किया जाएगा। वहीं आवंटन आदेश 20 से 23 नवंबर 2021 तक डाउनलोड किया जा सकता है और दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश 21 नवंबर से 23 नवंबर तक किया जा सकता है। केंद्र सरकार बिहार को देगी 110 करोड़ रुपए। सांसदों की सिफारिश पर विकास के विभिन्न मदों में सांसद निधि में केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में दी गई रियायत से बिहार को 112 करोड़ रुपए का लाभ होगा, क्योंकि बिहार में लोकसभा के 40 और राज्यसभा के 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जदयू के राज्यसभा सदस्य शरद यादव की सदस्यता का मामला न्यायालय में लंबित है, उनके मद में धन का आवंटन नहीं होता है। बचे 55 सदस्यों में हर एक को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, इस तरह कुल 110 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसे में राज्य के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष से सांसद निधि की योजना रुकी हुई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूरी निधि के तौर पर राज्य में 280 करोड़ रुपए ही मिले थे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई राशि नहीं मिली। 2 वित्तीय वर्षों में राज्य को 560 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार के लिए यह संजीवनी साबित हो सकता है। क्वालिटी में हुआ सुधार। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में हवा की गुणवत्ता चिंता का विषय है। हालांकि इन सबके बीच बिहार के लिए राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि दीपावली के बाद पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया था, जो कि अब घटकर 212 तक पहुंच गया है। हालांकि अब तक यही देखा गया है कि अगर दिवाली के समय हवा की गुणवत्ता खराब हुई तो छठ तक इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छठ पर्व खत्म होते ही राजधानी में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने शुरू हो गया है। ज्ञात हो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बार भी दीपावली के समय में राज्य के 4 शहरों में आतिशबाजी को लेकर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद लोगों ने राजधानी पटना में जमकर आतिशबाजी की थी, जिसके कारण पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार गया था। बिहार के युवाओं को रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार से बेरोजगारी की समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंकने का संकल्प एनडीए सरकार ने लिया था, जिसके तहत अब तक सरकार ने अपनी तरफ से कई योजनाओं को शिलान्यास भी कर दिया है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहारियों को रोजगार दिलाने के इरादे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में हैंडलूम, खादी, हैंडीक्राफ्ट, एमएसएमई के साथ स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा लघु उद्योग, भारी उद्योग और केंद्र से कितनी भी योजना आती है उसे हर क्षेत्र में पूरा करना है। हम लोग इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उद्योग का काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, हम लोग इसको मुमकिन कर रहे हैं। असंभव जो दिखता था उसे संभव कर रहे हैं। बिहार के नौजवानों को उद्योग और रोजगार से जोड़ना यह एनडीए सरकार की जिम्मेदारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन बिहार के बेगूसराय जिले में कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने उक्त बातें कही हैं। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिहार की सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अब बिहार में इन सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत नव स्वीकृत इस योजना का नाम सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि रखा गया है, जिससे उन महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। इसको लेकर बीते दिन महिला एवं बाल विकास की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर भरा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, वहीं बीपीएससी की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आधार कार्ड में नाम और पता आसानी से करें ठीक। आधार कार्ड में नाम और एड्रेस में अगर कोई भी गलती हो गई है तो आप इसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले uidai.gov.in वेबसाइट को ओपन कर ले, माई आधार ऑप्शन पर क्लिक कर दे। अब अपडेट योर आधार सेक्शन में जाए, यहाँ अपडेट योर डेमोग्राफिक्स डेटा ऑनलाइन पर क्लिक करें। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट ssup.uidai.gov.in पर पहुंचेंगे। आपको अब अपने 12 डिजिट आधार नंबर से लॉग इन करने की जरूरत है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे अपना पता, जन्म तारीख, नाम और लिंक सहित दूसरी कई और जानकारी भरनी होगी। अब आपको बस सेक्शन को चुनने की आवश्यकता है जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं। ऐसा करके आप आसानी से गलत जानकारी को सही करवा सकते हैं। सुशील मोदी को शिवानंद तिवारी ने किया चैलेंज। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों आजादी के मुद्दे को लेकर कई बयान दे चुकी हैं, जिसके कारण वो लगातार लाइमलाइट में भी बनी हुई है। इसी बीच उनके इस बयान की चर्चा बिहार की राजनीति में भी गर्मा गई है, जिसको लेकर ही अब शिवानंद तिवारी ने भी भाजपा सांसद सुशील मोदी को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सुशील मोदी बहुत चतुराई के साथ कंगना रनौत के बयान का बचाव कर रहे हैं, जबकि कंगना का बयान न सिर्फ आजादी के लिए हमारे पुरखों के महान संघर्ष को अपमानित करता है, बल्कि अनेकों कुर्बानी के बाद अंग्रेजों की गुलामी से मिली हमारी मुक्ति को भी जलील कर रहा है। सुशील मोदी पुराने नेता हैं, सरकार के कई पदों को सुशोभित कर चुके हैं, लेकिन मुझे गंभीर संदेह है कि जिस तरह के कार्यक्रम में कंगना विशिष्ट अतिथि थी, उस तरह के कार्यक्रम में सुशील जी को न्योता भी मिलता होगा।
आजादी नहीं मिलती तो अंग्रेजों के घर साफ करने पड़ते जूते। कंगना रनौत अपने विवादास्पद बयान को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती है। इसी कड़ी में एक बार फिर से आजादी को लेकर दिए गए बयान के कारण कंगना बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। इसी कड़ी में कंगना और उनके बयान को लेकर अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे तब हमारे देश के वीर जवान फांसी को गले लगा रहे थे। देश को आजादी 2014 में मिली यह कहकर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान ना करें। अगर आजादी के लिए कुर्बानियां नहीं दी गई होती तो आज भी किसी अंग्रेज के घर उनके जूते चप्पल साफ कर रहे होते। बिहार भाजपा अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजेंगे गीता। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को गीता भेजने का ऐलान तो किया ही और कहा कि राहुल के बयान से मुझे अभिनेता संजय दत्त की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का डायलॉग याद आता है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो लगातार हिंदू समाज में एकता एवं व्यक्तियों में राष्ट्रीयता जगाने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ एक तथा कथित राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष संगठन है जिनका हिंदू समाज की एकता और स्वाभिमान जगाने में अहम योगदान रहता है। लेकिन राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी और सलमान खुर्शीद जैसे लोगों के वक्तव्यों के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। बिहार पुलिस कर रहे हैं जदयू कार्यकर्ताओं की तरह काम। इन दिनों बिहार में शराबबंदी का मामला गरमाया हुआ है। इसी बीच कई आपराधिक मामले भी सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि बिहार सरकार लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पर है। इसी कड़ी में बीते दिन पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की जान लेने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस पर जदयू कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह ने 9 दिन पहले अपनी जान जाने की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिखित शिकायत में जदयू की मंत्री लेसी सिंह के भतीजे का नाम लिया गया था, लेकिन जदयू की पुलिस भी अपना कार्यकर्ता वाला फर्ज निभाया और उनकी जान ले ली गई। इसके साथ ही तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि बिहार से अच्छा कानून का राज कहीं होगा क्या? गुरमीत चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया अपना दर्द। हाल ही में बिहार से निकले अभिनेता गुरमीत चौधरी ने कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है, जिसके तहत एक बार फिर से उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें एक फिल्म के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन जब उन्हें स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई तो डायरेक्टर ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो उनकी इस फिल्म के इस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं तो वो उन्हें आगे फिल्मों में काम नहीं करने देंगे। इससे मुझे काफी झटका लगा था। हालांकि इस दौरान गुरमीत ने यह भी साफ किया कि ऐसा करने वाला डायरेक्टर कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा डायरेक्टर था। शास्त्री ने आलोचकों को दिया जवाब। T20 विश्व कप 2021 में टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। टीम नॉकआउट यानी कि सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रही। टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के बाद उनकी जमकर आलोचना भी हुई। एक बड़ा खेमा है जो T20 विश्व कप टूर्नामेंट में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार IPL को मानता है। ऐसी बातें कही गई हैं, खिलाड़ी देश के ऊपर IPL को रखते हैं। अब इस पर टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने IPL वाली बात पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खिलाड़ी IPL से पहले देश को रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं तो आपको 5 सालों में इस तरह का प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता। देश के लिए खेलते समय आपका दिमाग नहीं है तो कौन सा मूर्ख है जो फ्रेंचाइजी के लिए खेलने को महत्व देगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1681 में बंगाल के अलग रियासत बनने की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने 2006 में नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाने पर सहमति जताई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में आज के दिन हुआ था। भारतीय प्रसिद्ध हिंदी कवि बलबीर सिंह रंग का जन्म 1919 में आज के दिन हुआ था। भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान CK नायडू का निधन 1967 में आज के दिन हुआ। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मीचंद जैन का निधन 2010 में आज के दिन हुआ। आज के दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है खानसर UPSC, मनीष मोहरा, रवि कोचिंग, मनीष कुमार, विजय घायल, बम बम कुमार, पुनीत पासवान, मोहम्मद राशिद आलम, अखिलेश यादव, गुलशन कुमार, ओमकार सिंह, अजीमा फिरदौस, पूजा कुमारी, नुनू कुमार, साहिल श्रीवास्तव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार को कौन से क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।